हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से MTS CPWD का जो है जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। MTS का जो है एक्चुअली जहाँ भी CPWD का ऑफिस होता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का, तो वहाँ पे क्या है, आपको एक जो क्लर्क वगैरह जो होता है उस तरीके का वर्किंग रहता है। और वर्क इन्वायरमेंट वगैरह के बारे में काफ़ी लोग क्वेरी कर रहे थे। वर्क इन्वायरमेंट अच्छा रहता है और उसमें जितने भी सारे स्टाफ रहते हैं, तो जो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का वो कंसर्न जहाँ पे आपका ऑफिस होगा, तो वहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का भी ऑफिस हो सकता है, जूनियर इंजीनियर CPWD का भी ऑफिस हो सकता है, या उनके हायर जो ऑफिसर है उनका भी ऑफिस हो सकता है। कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जहाँ भी आपकी पोस्टिंग हुई होगी, तो वहाँ पे ज़्यादातर वर्किंग वगैरह टेंडर से रिलेटेड वर्क रहता है, जो साइट वगैरह पे जो है करवाए जाते हैं। और उस कंसर्न जहाँ पे आपका ऑफिस है और जितने भी स्टाफ कंसर्न असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के अंतर्गत कार्य करते होंगे गवर्नमेंट में, उनका जो है बिलिंग वगैरह जो होता है वो कार्य वगैरह देख रेख रहता है। और प्रमोशन का एस्पेक्ट जो है काफ़ी बढ़िया है, प्रमोशन वगैरह भी आपको हो जाएगा उसमें। और वर्किंग कोई ज़्यादा वर्कलोड वगैरह नहीं रहता है, अच्छा वर्किंग है और अच्छा है। जहाँ भी आपका पोस्टिंग वगैरह होगा तो वो थोड़ा अच्छा ही सिटी होगा, नॉर्मल एवरेज सिटी वगैरह में ऑफिस नहीं रहता है, तो अच्छे सिटी वगैरह में ही CPWD वगैरह का ऑफिस रहता है। और वहाँ से जो है जहाँ भी कार्य वगैरह करते हैं, जो उनके इंजीनियर वगैरह हैं, वो लोग अपने साइट पर आते हैं एक्चुअली गाड़ी के माध्यम से चेक वगैरह करने के लिए। तो वर्क इन्वायरमेंट जो है काफ़ी बढ़िया रहता है। अगर आपको मौका मिलता है तो ज़रूर आप ज्वाइन करें। एक्चुअली SSC के थ्रू MTS का एग्जामिनेशन वगैरह होता है और प्रमोशन वगैरह भी अच्छा होगा, और क्लर्क वगैरह का ही वर्किंग रहता है और अच्छा रहेगा। आप ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपका सिलेक्शन वगैरह हुआ है तो। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।